अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम, शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगा कर प्रेम लुटाता है भगवन, ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं, शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम,
मूल बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता मन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है ओम शांति। तो आज की मुरली बड़ी कमाल की है। आज बाप दादा क्यों आए हैं? बाबा वैसे शुरू में बताते हैं लेकिन आज बाबा ने बीच में भी बताया। आज बाप दादा क्यों आए हैं? हिसाब लेने आए। तो आज की मुरली में हम देख सकते हैं कि लॉ और लव का बैलेंस कितना ज़बरदस्त है। शुरू के पैराग्राफ में ऐसे बाबा ने बात की कि ऐसा लगता है कि स्नेह के ऊपर मुरली होने वाली है, लेकिन फिर फर्स्ट पैसेज के बाद बाबा ने जिस तरह ट्रांजिशन किया तो उसको और गहराई से समझने के लिए शिखा बहन हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आज वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही वैसे मतलब बाबा ने कैसे डांट लगाई है आज पूरी मुरली में, लेकिन जो बाबा ने अच्छी बातें बोली पहले वो देख। बाबा ने आज बोला बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है, और क्यों प्यार है कि ऐसे बच्चे कोई बाप को मिले हैं? एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं, कोई भी महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, धर्म पिता हो, कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो हर बच्चा कहे मेरा बाबा है कोई हिस्ट्री में। इसलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। मतलब इतना डांट सुनने के बाद अभी तो बहुत मतलब अजीब ही लगा, मतलब कि ये बाबा ने कहां से कहां हमको। फिर जो बाबा ने अभी बेटर है हमारा, तो बाबा ने इसमें जो ये बोला कि पहले तो बाबा ने भक्तों के साथ कंपेयर किया कि भक्त क्या करते हैं, और उन्होंने भगत ने जिसने कॉपी करी है उसको भी बाबा ने बहुत अच्छा बोला, और पवित्रता और जागरण के लिए बाबा ने बोला। लेकिन जो बाबा क्रोध के ऊपर आए तो बाबा ने बहुत सारी बातें बोली, कोई शेयर करेगा? कविता बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे पूछा ना कि सबने पवित्रता का व्रत लिया है और पक्का लिया है, तो जब बोला होगा सबने हां जी, तो बाबा ने कहा अच्छा। अब दूसरा भी प्रश्न है, तो अपवित्रता के मुख्य पांच साथी हैं। मतलब बाबा ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि डायरेक्ट किसी से बात नहीं निकलवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है फिर एक फ्लो में। तो बाबा ने फिर आगे पूछा कि पवित्रता के मुख्य पांच साथी हैं, ठीक है ना? फिर बाबा ने
पूछा कि पांचों का व्रत लिया है या दो तीन का लिया है, क्योंकि फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया कि अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा, और पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है, तो संपूर्ण पवित्रता के लिए तो और जो साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि ना ये चीज ब्राह्मणों के साथ है, हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो मेन बात है हमारे यहाँ लॉ ऑफ प्योरिटी कि उसको धारण कर लो, बाकी जो चार है ना उनको हम सोचते हैं चलो ठीक है इतना थोड़ा बहुत चल जाता है, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम कर रहे हैं, लास्ट में कर्मातीत बनेंगे, तो उनको ऑटोमेटिक वो थोड़े हल्के हो जाते हैं, मेन अटेंशन एक मुख्य उसी धारणा पे बना रहता है। तो आज बाबा ने उन्हीं चारों की फिर क्लास ली है कि ऐसा तो नहीं कि उनको छोटा समझ के छोड़ देते हो, कि उनसे थोड़ा प्यार है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। बाबा ने इसमें एक बात, बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। फिर बाबा ने ये भी याद दिलाया कि बाबा ने जो पहला पहला वरदान दिया जन्म लेते ही वो क्या दिया, पवित्र भव योगी भव, तो पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया है, पांचों विकारों के लिए दिया है। तो इस पे अटेंशन दिलाया कि हम वरदान भी आधा अधूरा सा यूज करते हैं, बाबा ने तो दिया सबके लिए पर हम एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं। फिर बाबा ने एक बात बहुत अच्छी इसमें मुझे लगी, बाबा ने पूछा कि सभी अपने आप को, चाहे कोई अभी नए भी आए हैं, एक साल हुआ है, दो साल हुआ है, तो अभी साइन में क्या लगाते हैं, पीके लिखते हो या पीके लिखते हो, ब्रह्मा कुमार हो या पुरुषार्थी कुमार हो। फिर बाबा ने ये बोला कि वादा क्या किया है बाबा के साथ, कि साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में फिर बाबा ने कंडीशन याद दिलाई, कंबाइंड रहेंगे साथ चलेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, समानता तो चाहिए ना। और बाबा ने कहा, और आगे बताऊं? हाँ जी, और किसी को शेयर करना है? आज बाबा ने बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे टच करते हुए बोली। बाबा ने ये भी बोला बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते, तो इसमें जो बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त सतो रजो तमो गुणी, तीन प्रकार के भक्त, लंबी लाइन है आपके पीछे, तो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है इसके लिए बाबा क्रोध को समाप्त कह रहे हैं करने के लिए, तो जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं। तो जो बाबा ने तीन मुख्य हमारे वो बताए, बाबा को जो गिफ्ट चाहिए कि आलस्य, अलवेलापन और क्या है तीसरा, बहानेबाजी की नींद, तो इन तीनों का हमें जागरण करना है और बाबा को गिफ्ट देनी है। और बाबा ने बोला कि कोई अगर झूठ बोलता है तो हमें सच्चे बाबा से वेरीफाई कराना है, और इतनी बड़ी बात बोली, सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है, कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है, कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो, तो आज बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये का गीत समाप्त होना चाहिए। और उसके बाद बाबा ने ये भी बोला कि ये क्यों कह रहे हैं बाबा ये सब करने के लिए, क्योंकि लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए बाबा वो हमारे लिए ही कह रहे हैं कि हम अगर लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारी प्रारब्ध लंबे समय की नहीं होगी। और बाबा ने आज डबल ताले के लिए भी याद किया कि हमको डबल बंद करना है, ताला लगाना है, सिंगल ही, और दो ताले वो हैं याद का और मन की सेवा में बिजी रहने का, तो दो अलमाइटी ताले लगाना है, गॉडरेज का नहीं, गॉड का ताला लगाना है। फिर इसमें जो बाबा ने ये रखा कि अनुभव करने के लिए बहुत कम है, इसके लिए कोई जो डबल फॉरनर्स के साथ भी बाबा बात कर रहे थे कि अटेंशन कहाँ पर कम है हमारा और क्यों ऐसा हो जाता है। स्नेहा बहन आप शेयर करेंगे? आप बोलिए शिखा बहन। अंजलि बहन आप करेंगे शेयर? शांति। तो मुरली पढ़ते हुए एक चीज जो मैं अपने अंदर पर्सनली चेक कर रही थी वो यही थी कि कोई भी पांचों विकार में से, जैसे बाबा ने कहा जो चार हैं स्पेशली, वहां पे प्रॉब्लम कब आता है, जब हम
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और जब भी हम उंगली सामने की तरफ रखते हैं कि इसकी वजह से हुआ, बाबा आपको नहीं पता है, आप तो साकार में नहीं हो ना, कितना बड़ा प्रॉब्लम आया था, आपको नहीं पता है उन्होंने मेरे साथ कैसा किया, ऐसा हुआ, तो एक्चुअली उस टाइम पे हम सामने जब देख रहे होते हैं और इंटरनली नहीं देख पाते अपने अंदर, तो ये एक प्रैक्टिस पर्सनली मैं बहुत करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमारे से गलती नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मुझसे हुआ है। जब तक हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तब तक हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात जैसे बाबा ने आज कही ना कि आप क्रोध करते हो, तो बाबा की श्रीमत है क्या क्रोध करने की, या बाबा ये तो चलता ही है ना, ये तो होता ही है, तो किसने चलाया, किसने कहा कि चला लो। तो वो चीज जैसे कि बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं कि ये आपका जो संस्कार है ना, ये संस्कार का सामना तो करना ही है, लेकिन बाबा ने कहा ये पेपर है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर था ये, एक जैसे स्कूल में होता था कि तैयारी नहीं होती थी और टीचर बोले एकदम से कि आज मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, तो एकदम से डर लगता था कि आज टेस्ट होने वाला है, हमारी तो कोई तैयारी नहीं हुई है। तो वही चीज है कि बाबा जैसे कहता है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, जो भी संबंध है, जो भी वस्तुएं, हर चीज इस टाइम टेस्ट पेपर है। तो हमें एवर रेडी रहना है, एवर रेडी सिर्फ घर जाने के लिए नहीं है, लेकिन एवर रेडी हर पेपर के लिए है। और दूसरी बात, जैसे बाबा ने कहा आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, जिसके लिए बाबा ने बहुत सी बातें कही है मुरली में, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतना ही देख रही थी कि ये अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी हमारे अंदर कहाँ और किस बात के लिए आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी भी हम इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या कौन सी ऐसी नींद है जिसमें हम अभी भी सोए हुए हैं, जो बाबा कह रहे हैं कि जागरण करना है और अभी तक हम जागृत नहीं हुए हैं, वो लेजीनेस, वो केयरलेसनेस कौन सी चीजों में है। तो एक ही चीज मुझे पर्सनली दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की बात भी है, किन्हीं चीजों में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वहां के लिए हम बहानेबाजी नहीं देंगे, वहां के लिए हम ना चाहते, चाहे हमारी नींद भी तोड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम कर लेते हैं। लेकिन जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता या इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो हम वहां पर ढीले हो जाते हैं, लूज छोड़ देते हैं अपने आप को। तो वही चीज मुझे बाबा की बहुत अच्छी लगी कि इन तीनों ही चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है, और इन चीजों को डीपली हमें चेक करके अपने आप को, वो जो निंद्रा लोक में हम बीच बीच में सो जाते हैं, वहां पे जगाना है। और एक बात जिसके लिए बाबा ने कहा ना कि माया आ जाती है, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से कहा, आपने दरवाजा खोला है तभी तो आई है ना, कोई गेस्ट आपके घर में तभी आता है ना, वो बेल बजाता रहे बाहर से तो वो तो चला जाएगा ना, लेकिन आप दरवाजा खोलोगे तभी तो वो अंदर आएगा, तो आप दरवाजा खोलते ही क्यों। तो हमें चेक करना है कि हम कौन कौन से वो दरवाजे हैं जो अभी भी छोटे छोटे से हैं और हम खोलते हैं उन्हें, हम मुड़ मुड़ के देखते हैं। जैसे किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है ना कहानी सुनने में, समाचार सुनने में, और सामने वाला कहे अच्छा पता है आपको फिर ये हुआ, तो हम पूछ लेते हैं अच्छा फिर आगे क्या हुआ, तो हमारा इंटरेस्ट है, हमने वो दरवाजा खोला है तभी वो चीज अंदर आई है। अगर हम अपना इंटरेस्ट ही हटा लें उन चीजों से, दरवाजा ही बंद कर दें, तो वो चीजें जा सकती हैं। ओम शांति। उसके लिए डबल लॉक बोला है ना बाबा ने कि एक तो याद का लॉक लगाना है और दूसरा सेवा का। तो द मेन पॉइंट इज कि हमें बिजी रहना है, अगर हम बिजी नहीं रहते हैं तो ही वो हमारा दरवाजा खुला हो जाता है, जो बाबा हमेशा बताते रहते हैं, मनचर्या दिनचर्या सारी हमारी होनी चाहिए। एक बात जो इसमें बाबा ने और बोला कि स्पेशल टॉपिक जो रखते हैं उसके लिए बाबा ने जो बात पूछी कि उसमें जो आपस में मिलकर रू रिहान करते हो तो उसमें मदद मिलती है, और अगर मिलती है तो नशा कितने समय तक रहता है, 6-8 मास रहता है या सदा रहता है। तो इसमें बाबा ने बहुत डीपली बताया कि इसको रिवाइज करो, अंदर में रिवाइज करो और रियलाइज करो, जो भी ज्ञान की बातें हैं उसको रिवाइज भी करो, रियलाइज भी करो, एक एक पॉइंट जो शिक्षा की मिलती है या नशे की खुशी की मिलती है उसको रियलाइज करो, अपने आप से रियलाइज करो कि हर बात अनुभव में है, अनुभव किया है या सिर्फ नॉलेज के आधार से सोचते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं।
हर पॉइंट के अनुभव में डीप में जाना ये थोड़ा अटेंशन कम है, सुनने और सुनाने में अटेंशन अच्छा है उसमें नंबर वन है, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना, चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, अनुभव में कमी है, इसलिए रियलाइज करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। और बाबा आगे भी बताते हैं कि अपनी कमी को रियलाइज करते भी हो लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ जाती है, उसमें बाप दादा ने देखा है कि एक दृढ़ता की कमी है और दूसरा मन को एकाग्र करने की विशेषता, जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहां चाहो वहां हो जाए, इसकी कमी है, इसके ऊपर अटेंशन देंगे। और इसी को पावा ने आगे जोड़ा इकोनॉमी से कि अगर दृढ़ता और एकाग्रता अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। और कितनी सूक्ष्म बात है कि अगर हम अपने संकल्प वाणी संबंध संपर्क में भी अगर हम इकोनॉमी से खर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम यज्ञ की इकोनॉमी भी नहीं कर रहे हैं। तो जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। तो भाई जी बाबा ने इतनी सारी बातें हमें बता दी कि हमें मन भी एकाग्र करना है और रियलाइजेशन परिवर्तन की शक्ति को भी करना है, दृढ़ता की कमी, तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे करनी है, मतलब क्या वो बार बार कितनी बार से मुरली में आ रहा है कि एकाग्रता हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। उसके लिए तो जैसे एक फ्रेमवर्क ये भी है समझने का बातों को कि हमारा पुरुषार्थ वर्टिकल ज़्यादा है या हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है। तो कई बार जब तीव्र पुरुषार्थ की बात हम सोचते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल बहुत हो जाता है, मतलब वी आर गोइंग वाइडर एंड वाइडर, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन बाबा ने जैसे साकार मुरली में भी वरदान में कहा कि वी नीड टू गो डीपर, और उसके लिए फिर एकांत भी चाहिए, एकांत के बिना नहीं हो पाता। और उसके लिए जैसे अंजलि बहन ने कहा कि इंटरेस्ट भी चाहिए, और बाबा इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कई बार कि इंडिविजुअल अटेंशन भी चाहिए। सिर्फ संगठन के प्रोग्राम मिलने से बात नहीं बनती, लेकिन खुद का एक खुद के अटेंशन से इंडिविजुअल समय निकाल करके उन चीज़ों में जाना तो वो ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी किसी को कोई और थॉट है तो शेयर कर सकते हैं। शांति, जैसे बाबा ने आपने सही कहा, आज जैसे बाबा ने वरदान में भी कहा और आज की मुरली में भी, और मैं मॉर्निंग से ये प्रैक्टिस भी आज किया तो मुझे ये रियलाइज भी हो रहा था कि सही बात है कि एक ही हम बहुत सारे अभ्यास कई बार करते हैं तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, और हर दिन एक अव्यक्त मुरली, और एक अव्यक्त मुरली पूरी नहीं हो पाती तो दूसरी, हर दिन साकार मुरली, हर दिन स्वमान, इतना क्लासेस, इतनी सारी चीजें, तो कई बार हम सोचते हैं बहुत सारा कर लें, और बहुत सारा करने के वजह से जो एक चीज में, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो मेडिकल जब करते हैं तो उसके बाद वो एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी एक चीज में पहले हम अपने आप को स्पेशलाइज्ड करें। जैसे आज बाबा ने कहा अशरीरी, क्योंकि आत्मा आई भी बॉडीलेस है, जाना भी बॉडीलेस है, अगर एक बॉडीलेस की प्रैक्टिस को ही हमने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा, और उसमें ये जो बाबा ने छोटे छोटे संस्कार टकराव होते हैं, या बाबा ने कहा ये जो छोटे छोटे विकार या रोग बाबा ने आज कहा, या बाबा ने डबल लॉक की बात कही, अगर हम एक बॉडीलेस पे भी, ये एग्जाम्पल है, लेकिन एक बॉडीलेस पे भी हमने फुल्ली स्पेशलाइजेशन किया है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। तो हम भी देखें कि जैसे मैं पहले भी कह रही थी इंटरेस्ट वाली बात, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे एक ही आटा है, उससे रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, पूड़ी भी बनती है, और बहुत सी वैरायटी चीजें बनती है उसी आटे से। उसी तरीके से उसी आत्मा में देही अभिमानी भी, आत्माभिमानी और शरीर, ये सारी प्रैक्टिस है। तो हम चूज करें कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, और उसमें स्पेशलाइजेशन करें, एक डिफॉल्ट प्रैक्टिस हम अपने लिए रखें। तो बाबा जितने भी आज ये संस्कार की बात कह रहे हैं, स्पेशली आलस्य, अलबेलपन और बहानेबाजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें उसमें कवर हो सकती है। ओम शांति।
कविता बहन आप कुछ कह रहे थे? मैं ना एक बात शेयर कर रही थी, इसमें जैसे बाबा ने बात की हुई है भोपाल सेंटर से, बाबा उसमें एक बात ये कह रहे हैं, जैसे वारिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास है यज्ञ के अंदर वारिस क्वालिटी प्रसिद्ध होना चाहिए। कई सेंटर बोलते हैं कि हमारे पास वारिस है, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि वारिस छिप नहीं सकते हैं, वारिस की क्वालिटी होगी तो वो छिप नहीं सकता। बाप दादा गुप्त वारिस को नहीं मानता, उसका कनेक्शन उसका रिलेशन कायदे प्रमाण होना ही चाहिए। तो इसमें एक बात ये आ रही थी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन चलता है, तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो घर पे रह के पुरुषार्थ करते हैं और सेंटर्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उन्हें लगता है वहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम हो जाती है किसी ना किसी को। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश हो या ना हो पर बाबा का बच्चा तो है ना, तो कनेक्शन और रिलेशन कायदे प्रमाण होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में निश्चय बाबा ने इसको फाउंडेशन बताया है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, बाप तो परमधाम चले जाएंगे, तुमने तो एक दूसरे के साथ रहना है ना, हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में और रिलेशन में होंगे, तो परिवार में जो कनेक्शन और रिलेशन होना चाहिए ना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, कई बार बोलते हैं हमारी स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हम घर पे रह के बना रहे हैं, तो ये ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है स्थिति बनाना भी, लेकिन ये जो कनेक्शन और रिलेशन है ना, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको पढ़ते हुए ऐसा आ रहा था। और एक बात और, जो बाबा ने डबल विदेशियों से बात की हुई है ना, बाबा ने इसमें एक बहुत सुंदर बात बोली है, जिसका एक बाप से प्यार है वह एक के समान एक ही नंबर बनेंगे। तो एक बाप संसार है, जब है ही एक संसार तो बनेंगे भी एक नंबर। बाबा ने दादी के साथ भी, जो दादी जानकी के साथ बात करी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे कि बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करता, बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता। तो जब दादी ने बोला बाबा संसार तो है लेकिन संस्कार में आ जाए, बाबा ये करो ना, तो बाबा ने क्या बोला कि बाप करेगा तो पाएगा कौन, ये भी बाप करे तो बाप को तो फल पाना नहीं है, सहयोग देना बाप का कर्तव्य है, टांग भी लगा दे पाँव भी लगा दे लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा ना। तो बाबा हर तरह से इसमें जो ये दादी जानकी ने बात की ना बाबा से, कि बाबा संसार तो है लेकिन संस्कार में आ जाए, बाबा यह करो ना, तो इससे दादी के पुरुषार्थ का हमें दिखाई दे रहा है, उसकी झलक दिखाई दे रही है, जिसको दादी ने लास्ट तक बोला, मैं कौन मेरा कौन, दादी के संस्कार में समाई गए थे ना बाबा। तो इस लाइन को पढ़ के पता लग रहा है कि दादी का पुरुषार्थ क्या था, जो अंत अंत तक हम सबको दिखा। हम कहते हैं बाबा संसार है लेकिन संस्कार भी वही हो, सिर्फ संसार नहीं हो, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो कैसे बनाए बाबा को संस्कार है? बाबा ने इतनी सारी विधियां दी, इतना सारा ज्ञान दिया, उसका मनन चिंतन करते हुए जो हम सोचते जाते हैं वही हमारी आदतें बनती हैं, जो हम करते जाते हैं वही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ये इतना सब कुछ बना ना, इतने टाइम में संस्कार बने ना। अच्छा, बड़ी दादी के बारे में भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। वही अभी तो वो तो बहुत अच्छा पैराग्राफ है, पढ़ेंगे आप? हाँ जी, तो जैसे मोहिनी बहन ने सुनाया कि बॉम्बे से दादी जी और साथ में सभी सेवा साथियों ने बहुत बहुत याद भेजी है, तो दादी तो सबके दिल की प्यारी दादी है। तो बाप दादा ने सुनाया था कि चाहे दादी के लिए कहेंगे कि ऐसे पेशेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स भी आश्चर्य खाते हैं कि यह पेशेंट नहीं है लेकिन पेशेंस में रहने वाले। पेशेंट होते भी पेशेंस का स्वरूप क्या होता है वह दिखा रही है। और ये बातें हमें तब भी सुनी थी और बहुत अच्छी लगी थी तब भी, जिस टाइम पे मुरली चली थी। तो आपको लगेगा कि दादी को कुछ हो रहा है लेकिन दादी से पूछेंगे तो कहेगी कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंस स्वरूप दिखा रही है। बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी है, बीमारी चल रही है लेकिन वो अपनी मस्ती में है। ये शरीर प्योरीफाई हो रहा है, अपनी लास्ट स्टेज भविष्य और भक्ति की स्टेज बन रही है, अभी है जीवन में होते मुक्त और लास्ट समय में है अष्ट देवता प्रसिद्ध होना।
और भक्ति में है इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार का पार्ट बजा रही है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बात है। एक तरह से बाबा तो काफी टाइम पहले से ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था बाबा ने कि दादी अपनी संपूर्णता को पा रही है, और उसके बाद भी जो इसमें जो बाबा ने ये बोला कि जो लोग उनके साथ सेवा कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन बाकी ब्राह्मण व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएं, मतलब वो भी कितना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। दादी आपकी है और आपकी रहेगी, मतलब भगवान ऐसे हमको मतलब बता रहे हैं कि कैसे हम फालतू के जब चलाने लगते हैं संकल्प तो भी उसका कितना मतलब वाइब्रेशन जा रहा है, पहुंच रहा है, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। कोई बीमार है तो भी आप आगे बोल रहे थे इसमें ना, जैसे बाबा ने वाइंड अप किया जाता है ना किसी चीज को, आगे बाबा ने वो बातें बोली है कि बाप दादा ने देखा है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए और दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि की विल पावर से बहुत सर्वस्नेही सर्वसमर्थ सभी कार्यकर्ता निमित्त और निर्माण, इसमें ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी, दादी की महिमा इसमें बाबा बता रहे हैं, और बाप दादा को साथी बनाकर सभी दादियों के साथ साथ रहकर बहुत अच्छा पार्ट बजाया और अभी भी सूक्ष्म में आपके साथ पार्ट बजा रही है। तो सबको संगठन के बंधन में स्नेह और सहयोग के आधार से बांधा और यह अमर वरदान है। आज शाम को भी एक क्लास आ रही थी तो उसमें भी बड़ी दादी के बारे में वो दीदी बता रही थी कि बड़ी दादी कहती थी सब मैं ना सबको बड़े प्यार से, और प्यार से एक और वर्ड उन्होंने बोला था कि मैं चला लेती हूँ सबको, मुझे जोर से नहीं बोलना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि बड़ी दादी की बड़ी विशेषता थी और वो सबके सामने ओपन में ये बात बोलती थी कि मुझे किसी को जोर से बोलना नहीं पड़ता है, मैं सबको प्यार से चला लेती हूँ। तो वो कह रही थी दीदी कि जब आप ऐसे बोलते हो ना कि सामने वाला प्यार से मेरी बात मानता है तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और वो अंदर से तैयार हो जाते हैं आपकी बात प्यार से मानने के लिए। ओम शांति। आज बाबा ने जो माताओं के ग्रुप से बात करी वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने बोला अगर एक एक मदर जगत माता बन जाए वृत्ति से, मतलब जगत माता का मतलब क्या है, वृत्ति से हर समय हर संकल्प में हर माता जगत माता के स्वरूप में स्थित हो जाए तो कितने वाइब्रेशन वर्ल्ड में मिलेंगे, क्योंकि माँ की भावना जल्दी पहुंचती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि बाबा ने कहा कि जैसे माँ प्यार से बच्चे की पालना करती है ऐसे आप सभी को बच्चे समझ के पालना करो, वाइब्रेशन फैलाओ। और बाबा ने अंत में ये भी बोला कि माताएं बाप दादा की नजर में हैं और हिम्मत वाली हैं, कर सकती हैं तो आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत ही बड़े भाइयों से बात की, इसमें भी बहुत अच्छी शिक्षा बाबा ने उनके थ्रू हमें दी कि संगठन की शक्ति का महत्व बाबा ने इसमें बताया कि बाप ने भी अकेला कुछ भी नहीं किया, और शिवरात्रि पे ये मुरली चली है तो बाबा ने कहा कि ये भी बाप और बच्चे के इकट्ठे बच्चों के इकट्ठे जन्म का यादगार है। तो बच्चों के साथ बाबा ने हर कार्य किया, संगठन की शक्ति उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पर लाना चाहिए, और इसके लिए क्या करना है, एक ने कहा और दूसरे ने किया, उसमें एक दो की बातों को ना देख संगठन को मिलाना, निमित्त आत्माओं का ये काम है। तो ये हम सबका ही काम है एक्चुअली, हम सब इस यज्ञ के किले की एक एक ईंट तो है ना। तो और एक भोली दादी के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए कि ब्रह्मा बाप ने भंडारे में बिठाया तो अंत तक भंडारा नहीं छोड़ा चाहे तबीयत कैसी भी रही, और ये भी कर्मणा की विशेष देवी रही। एक बार भोली दादा ने बाबा से कि बाबा मैं आपको याद ही नहीं करती हूँ, मैं तो सारा दिन बस सेवा करती रहती हूँ, मुझे तो याद करना आता ही नहीं है। और बाबा हमेशा कहते थे ना कि अष्ट रत्नों में से एक, ऐसा हमने सुना है स्टार्टिंग से कि भोली दादी अष्ट रत्नों में से एक है। तो बाबा ने उनको बोला था कि आपके इसी में 100% मार्क्स है, सूरज भाई बता रहे थे, लेकिन हाँ बाबा को भी थोड़ा बहुत याद किया करो क्योंकि आपने जीवन तो बाबा को दे दिया, सेवा भी किसकी है, बाबा की कर रहे हो ना, तो कर्मणा में आपके 100% नंबर है। इसमें एक बार मतलब जैसा क्लासेस में सुना कि भोली दादी ना मीठा खाती थी ना नमक खाती थी, लेकिन सबको कैसे पूरा भंडारा चलाती थी कि खुद नहीं खा रहे
और एक बार शायद जब भोग लगाया तो उसमें नमक नहीं था, और बाबा जब संदेशी ने आके भागते बोला कि इसको खा के देखो, तो बोला इसमें नमक नहीं है, तो बोला कि फिर इसको टेस्ट क्या करोगे, बाबा आपको खिलाने से पहले हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको छुट्टी है और किसी को नहीं, लेकिन भोली दादी को छुट्टी है कि टेस्ट करके लगाएंगे। वैसे आज की मुरली तो बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि ये बिल्कुल मार्क करके रखने वाली है, बाबा ने कितनी सारी बातें इसमें बताई है। और ड्रिल भी कराई है बाबा ने इसमें, एक कि वो बताएंगे कि फट जल्दी से, कि अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी आलस्य अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। ओम शांति। सदा